रामलला के भव्य मंदिर की नींव में कड़ा धाम की माटी व पवित्र कुंड के जल का होगा प्रयोग। अयोध्या में प्रस्तावित रामलला के मंदिर निर्माण की नींव में 51 शक्तिपीठ माता शीतला कड़ा धाम की मिट्टी एवं मंदिर में स्थित पवित्र कुंड के जल का प्रयोग किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर तीर्थ पुरोहितों का एक जत्था मिट्टी व जल लेकर जाएंगे। अयोध्या पहुंचकर पवित्र जल और मिट्टी से भरे कलश को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा जाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन के बाद जब मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा तो मिट्टी व जल का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल कड़ा धाम की मिट्टी व जल राम मंदिर निर्माण में शामिल किए जाने की खुशी से धाम के अलावा जनपदवासी फूले नहीं समा रहे हैं। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष शारदा प्रसाद पंडा ने बताया कि जब माता सती ने अग्नि समाधि ली थी तो भगवान भोलेनाथ उनकी लाश को लेकर ब्रह्मांड भाग रहे थे। यहां पर माता सती के दाहिने हाथ का कर गिरा था। कड़ा धाम 51 शक्तिपीठों में शुमार है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर माता जी के कुंड से जल व मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए जाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिसमें पूरे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी एवं नदियों के जल नींव में प्रयोग किया जाएगा। इसी के क्रम में करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र बिंदु प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल कड़ा धाम, जहां पूरे भारत से लाखों तीर्थ यात्री साल भर तीर्थाटन के लिए आते रहते हैं। यहां के तीर्थ पुरोहितों ने एक कलश में पवित्र जल तथा दूसरे कलश में मिट्टी भरकर अयोध्या के लिए एक जत्था रवाना हो रहा है, जहाँ वे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मिट्टी एवं जल सौंपेंगे। ये 51 शक्तिपीठ कड़ावासिनी शीतला माता के दरबार है और यहाँ पर भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर माता कड़ावासिनी के दरबार से माता जी के कुंड का जल और माता जी की प्रसिद्ध मिट्टी भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए जो 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के आह्वान पर यहाँ से पूजा के लिए जा रहा है। माता शीतला का जल और मिट्टी लेकर यहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पता चला है कि देश के सभी तीर्थों से जल और मिट्टी मंगाया जा रहा है। उसी आधार पर हम माता शीतला के कुंड का जल लेकर के मिट्टी लेकर के अयोध्या के लिए कूच करेंगे। 2-4 दिन के अंदर हम लोग चले जाएंगे, 10-20 लोग रहेंगे। क्या महत्व है यहाँ का? जी हाँ, सती की कथा आपने सुना हो तो सती के यहाँ कर गिरा था, दाहिना कर, तो उस कर का अपभ्रंश आज कड़ा हो गया है और वो आज भी कुंड जो गर्भगृह है उसी का पूजन आज भी होता है। जी हाँ, उसी का महत्व है। प्रतिमा तो बात की है, मत उसी का ही है।